उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो गाइस आज हमारा दूसरा दिन था स्कर्दू में, तो अब हम यहाँ से निकल कर खपलू की तरफ जा रहे हैं। तो ये बॉयज़ देखें पैकिंग वगैरह अपनी कर रहे हैं, मैंने अपनी बाइक जो वो रेडी कर ली है, बस गोप्रो लगाना है हेलमेट पे और बैठना है और जस्ट चले जाना है यहाँ से। बाकी ये कासिम भाई हैं, अहमद भाई और मुजम्मिल भाई कर रहे हैं पैकिंग अपनी। तो बाकी इंशाल्लाह थोड़ा रास्ते में आपको व्यू दिखाते हैं जो मज़े के होंगे। और काफ़ी इशू आ रहा है अभी हमें यहाँ पे, यहाँ पे ये देखें ये भी पंजाब से कोस्टर्ड आई हुई है। इन बेचारों को 10 दिन हो गए यहाँ पे फंसे हुए, तो बहुत बुरी सूरत हाल है अभी यहाँ पे। तो बाकी जो भी यहाँ पे आए वेदर को मद्देनज़र रख के आए यहाँ पे, क्योंकि वेदर अगर ख़राब है तो यहाँ पे ना आए। अगर आप यहाँ पे फंस गए, लैंड स्लाइडिंग हो गई, तो आप एक हफ़्ता 15 दिन कहीं पे नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते। लिहाजा इन चीज़ों का ध्यान रखें और आगे जो पॉइंट आएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइज अभी हम स्कर्दू से निकल के खपलू की तरफ जा रहे हैं और ये जो वेदर है ये हमारी जान नहीं छोड़ रहा, अभी भी लग रहा है आगे हमें बारिश ही मिलनी है। अभी ये स्कर्दू शहर से निकलते हैं तो आगे जो अच्छे व्यू पॉइंट आएंगे तो उसको ज़रूर हम कैप्चर करेंगे और आपके आगे साथ शेयर करेंगे। हाँ यार ये पंप इन्होंने बंद कर दी है, अल्लाह खैर करे। पूछ लो पहले किसी से क्या इशू है। बाबा जी ठीक है, लेकिन वापस भी तो हमने आना है ना, वापस आ गए तो फिर भी ना मिला, फिर क्या करेंगे? पूछ लेते ना कि क्या चक्कर है। और मौसम बाकी फुल टाइम इंग्लिश है मैं तो कहता हूँ अरबी हो ताकि गर्मी है तो गाइस यहाँ पे एक अलग सी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल खुला सा मैदान है और बादल देखें आप यार, आखिर मज़ा आ रहा है। क्यों मुजम्मिल और बिलाल भाई, एक अलग सी फीलिंग है। तो गाइस ये खपलू से पहले कोई बाज़ार है, कोई गांव है, अब पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन जगह बड़ी प्यारी बनी हुई थी। हमें चाहिए यार कुछ गर्म ग्लव चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत है इधर, तो बाइक चलाने वाले को तो वैसे भी ये उंगलियों में बड़ी ठंडक लगती है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ से अगर मिल जाए तो ठीक है। तो गाइस ये खपलू की तरफ जा रहा है और ये मनटोका वाटरफॉल रिजॉर्ट है, 23 किलोमीटर है मनटोका। तो हमने अब जाना है राइट और सरीना इधर आ जाता है, फिर हमने वापस आना है ना इधर। तो गाइस अभी हम ये मनटोका वाटरफॉल और खामोश वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और 23 किलोमीटर है यहाँ से मनटोका वाटरफॉल, और वापस फिर हमने इधर खपलू वाली साइड पे आना है। हाँ एकदम से हवा आई है यहाँ पे, धूप भी आ गई है और आगे वेदर क्लियर लग रहा है, देखे जरा। हाँ आगे वेदर क्लियर लग रहा है हमें। हाँ बादल नहीं है अभी फिलहाल तो इधर। हाँ यार शुक्र है पे धूप आई है। तो गाइस सामने का व्यू देखें यार, देखे जरा यार सुभान अल्लाह। ओहो यार जालिम, ये बिल्कुल सिंपल सा है पहाड़ लेकिन मुजम्मिल भाई इसकी आप जरा खूबसूरती देखें, एक इसकी अलहदा सी इसकी ना वो नज़ारे हैं इसके देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पे पुलिस की चौकी है, यहाँ पे हम एंट्री करवा रहे हैं अपनी, और मेरे ख्याल से और तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर रह गया होगा मनटोका वाटरफॉल। तो रोड बेहतरीन है, ये रोड नहीं बना हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या वजन कितना है इधर से मनटोका? 20 मिनट का। और आगे से खामोश वाटरफॉल कितनी है?
रोड ऑफ रोड है, इसी तरह ही है, फिर तो मज़ा, जल्दी पहुंच जाएंगे फिर तो। ये देख रहे हैं सूरज, आज हमें तकरीबन एक पाँच दिन के बाद मिला ये सूरज। ओए होए सुकून आ गया, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। तो गाइस मोंटो का वाटरफॉल मेरे ख्याल से तकरीबन आठ से सात किलोमीटर रह गया होगा, और यार जगह बड़ी मज़े की है, ये बहुत ही सुकून वाली जगह है, ये चेक करें। ओहो क्या बात, मंटोका वाटरफॉल रिजॉर्ट, ये रिजॉर्ट है, पूछ लें किसी से किधर है। अस्सलाम वालेकुम, ये वाटरफॉल किधर है मंटोका? इस साइड पे है, इतनी प्यारी जगह यार बनी हुई है यार, एक कश्मीर और दूसरा स्कर्दू के साथ लव हो गया, क्या ब्यूटी है, इधर देखें जरा। पहले ये बिल्कुल रोड नहीं बना हुआ था, मैंने ये देखी आ गया मंटोका वाटरफॉल। हाँ यार खूबसूरत है जगह ये सारी, बस वाटरफॉल मेरे ख्याल से आने, वो है वाटरफॉल। गाइस पहुंच गया मंटोका वाटरफॉल, यहाँ पे ड्रोन शॉट भी लिए हैं मज़े के, और अपनी पिक्चर वगैरह भी खींची है, और बहुत इंजॉय वाली जगह है ये। स्कर्दू आएँ तो इस जगह को ना कभी भी भूलें, बहुत ही बहुत आला किस्म का व्यू है यहाँ पे, और बहुत ही मज़े की जगह है। अब हम जाने लगे हैं, आगे है एक खामोश वाटरफॉल, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। वेलकम बैक गाइस, तो गाइस अब हम यहां से जाने लगे हैं मंटोका वाटरफॉल से, और अब जाएंगे खामोश वाटरफॉल। बहुत मज़े की प्लेस है ये, अगर स्कर्दू जब भी आए तो यहां पे ज़रूर आए। तकरीबन एक घंटा 10 मिनट की ड्राइव पे आप इधर मंटोका वाटरफॉल पे आप पहुंच जाएंगे। रोड बिल्कुल टोटल नया इन्होंने डाला है और बिल्कुल साफ़ है। चलो यार चलें,
हम लाहौर से आए हैं। एक मिनट पकड़ के बिठा दे उनको, इधर से पकड़ लेना ताकि गिरे ना, बैठ जाए वो आराम। तो इधर ये कुछ कराची से आए हुए हैं, तो उन्होंने कुछ वीडियो और तस्वीर बनवानी है। चले जी, अल्लाह हाफिज। चले आ जाओ यार, चले जी अल्लाह हाफिज। चले आ जाओ यार। तो गाइज यहाँ से ये कराची से आए हुए थे, तो गाइज ये पानी वहाँ से आ रहा, ऊपर से देखें कितना प्यारा लग रहा है। सिंगल से भी आधा रोड है ये, तो चेक करें लब्बे या हुसैन लिखा हुआ है, कितनी ज्यादा चमक रही है।